की सामंती व्यवस्था ही उसको कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में जो फ्रीडम्स हैं, उन फ्रीडम्स में 19(1)(a) बी सी डी ई और जी आपके पास हैं। और मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि संसार में सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कोई भी देवता कभी भी पूज सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष की विडंबना ऐसी है कि हमको विदेशी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, देसी कम। सोचने की बात है कि भारतवर्ष जो है वो एक समृद्ध परंपरा से भरा हुआ है, और एटलीस्ट 7 से 8 हजार साल पुराना इतिहास भी है हमारे पास। संसार में किसी देश के पास 7 से 8 साल पुराना इतिहास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। और उनके पास ना होने का कारण है कि कृष्ण 2000 साल पहले आए और मोहम्मद 1500 साल पहले आए। सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा है जो सनातन है, इसलिए हमारे पास समृद्ध परंपराएं और समृद्ध महापुरुष हैं। लेकिन जैसे विदेशी चीजें अच्छी लगती हैं ना, वैसे ही हिंदुस्तान के लोगों को लेनिन अच्छा लगता है। हिंदुस्तान में उसको कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिला जिसकी वो आराधना करके उसकी फोटो लगा लेता, ना उसको सूरदास मिले, ना कबीरदास मिले, ना तुलसीदास मिले, ना भगवान राम मिले, ना कृष्ण बने, ना वाल्मीकि मिले, ना अम्बेडकर मिले, उसको लेनिन मिले। कहां थे वो? रूस में क्रांति करी उन्होंने। रूस की क्रांति के लेनिन भारतवर्ष में फोटो लगाकर उनकी आराधना करना। उसको माओ मिले, कहां पैदा हुए वो? चीन में पैदा हुए, और चीन में मारकाट करके सरकार बदल ली उन्होंने चीन की, और कम्युनिस्टों की सरकार स्थापित की। वो माओवादी यहां पर माओ की फोटो लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अरे भगवान की पूजा नहीं करनी थी, अंबेडकर की कर लेते हैं, नहीं ज्योतिबा फूले की कर लेते हैं जिन्होंने बहुत समाज सुधार कार्य किए, गांधी जी की कर लेते उनकी फोटो लगा लेते। और आपको लगे पुराना, ये सब नए नए हैं, पुराना चाहिए कोई? लग सकता पुराना चाहिए तो महर्षि वाल्मीकि को लगा लेते, क्या बोले थे वो? दुनिया भर के ऋषि मुनि हमारे पास लाइन्स हैं, जितने चाहो उतने लगा लो, वो कमी नहीं है। अगर उनको आदर्श मानना चाहते थे, अगर आपको भगवान राम आदर्श नहीं लगते तो रावण लगा लेते। रावण भी भाई था तो यहीं का, रावण लगा लेते। रावण चलो हमने कहा कि राक्षस कुल में गड़बड़ करने वाला है तो विभीषण लगा लेते, उसने तो सही काम किया, उसकी फोटो लगा लेते। नहीं आपको भगवान कृष्ण अच्छे नहीं लगते तो दुर्योधन के लगा लेते, क्या करें? नहीं और तुमको नहीं समझ में आ रहा तो कोई और ढूंढ लेते। मत तमाम तरह के हमारे यहां तो युग पुरुष हुए हैं, लेकिन साहब कैसे हिंदुस्तान का, ये तो कहते ना लोकल प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट कैसे अच्छा लगेगा? इंपोर्टेड अच्छा लगेगा। तो इंपोर्टेड या तो खाड़ी से देवता लाएंगे और यहां पूजेंगे, खाड़ी में कोई पैदा हुआ उसको यहां देवता बनाकर पूजेंगे, और पूजते समय भी मुख उधर ही करेंगे क्योंकि आज भी लगता है कि वहीं पर है वो, यहां नहीं है वो, वहीं पर है। तो जब उसको दोबारा आराधना करेंगे तो उधर ही मुंह करेंगे खाड़ी की तरफ, क्योंकि इंपोर्टेड है। लेनिन लगाएंगे क्योंकि रूस की क्रांति करी, लेनिन की यहां फोटो लगेगी और लेनिन का बुत बनेगा, माओ का बुत बनेगा। अब देख रहे हो भारतवर्ष का दुर्भाग्य कैसा है। भाग्य तो जैसा अच्छा है वैसा है ही, ये अजर अमर था, है और रहेगा। ये छोटे छोटे कृत्यों से इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रयास कोई पहली बार नहीं हो रहे। पिछले 3000 साल के इतिहास में तो दिखता ही है खूब कि ऐसे प्रयास हो रहे। सिकंदर से तो इतिहास हमको मिलता है, सिकंदर से तो लगातार सशस्त्र प्रयास हो रहे हैं हिंदुस्तान पर कब्जा करने के, और हुआ भी कई बार कब्जा। हजार हजार वर्ष तक शासन रहा ना खाड़ी वालों का, ठीक, लेकिन
हमको तो आदत पड़ गई है इंपोर्टेड इस्तेमाल करने की, इसलिए साहब पूजेंगे भी तो इंपोर्टेड है पूजेंगे चाहे कुछ भी किया हो। लेनिन ने रूस की क्रांति में लाखों लोगों की हत्या करवाई तब सरकार बनी। माओ ने चाइना में लाखों लोगों की हत्याएं करवाई तब चाइना में परिवर्तन लाए। कोई हत्यारा क्या पूजनी हो सकता है? कैसे हो सकता है? लेकिन इंपोर्टेड है तो इंपोर्टेड माल तो डिफेक्टिव है तो भी चलेगा, क्योंकि इंपोर्टेड, ये तो कहेंगे इंपोर्टेड है। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि इतनी समृद्ध परंपराएं, इतनी समृद्ध सामग्री, इतने समृद्ध महापुरुष संसार में कहीं नहीं हुए। उनके समकालीन विवेकानंद जी हैं, उनको पूज लेते, क्या बुरे थे? पूरे विश्व को समझा कर आए वो, नहीं? आचार्य दयानंद सरस्वती थे, उनको पूज लेते। और खोजने बैठोगे तो एक साल में 100-150 तो बड़े बड़े नाम मिल ही जाएंगे। उनको किसी को पूज लेते जो तुम्हें अच्छा लगता, तुम्हारी मेंटेलिटी से मिलता। उसकी फोटो अगर लगाने का था, क्योंकि ऊपर वो चित्र लगेगा तो नीचे लिखेंगे भी स्थापना किसने, मैं अपना नाम लिखेंगे उसमें, तो तुम्हारा नाम लिखने के चक्कर में उनका नाम लिखा। अरे उनका नाम अगर अपने महापुरुष का नाम लगा देते तो भी तुम्हारा नाम लिखा जा सकता था, लेकिन लेनिन का नाम लिखेंगे, माओ का नाम लिखेंगे, खाड़ी के किसी देवता को मानेंगे, जालीदार दरवाजा बनाकर पूजेंगे तो क्या? तो शायद विदेशी व्यक्ति, विदेशी देवता जल्दी सुनेगा, क्योंकि यहां का जो देवता होगा उसके लिए 100 करोड़ है, लेकिन विदेशी देवता हिंदुस्तान में कुछ लोगों के लिए देवता है तो जल्दी सुनेगा, कहेगा हमारे लोग हिंदुस्तान में भी हैं, अरे वाह लाओ तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारा काम जल्दी करेंगे। जैसे विदेश विभाग में कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति अमेरिका की एम्बेसी में लगावे अपनी एप्लीकेशन और कहे कि साहब हमें यह समस्या, तुरंत काम होता है। हिंदुस्तान बेचारा रगड़ रगड़ के मर जाता, काम नहीं होता उसका। क्यों? क्योंकि वहां विदेश की धरती पर वो जो एम्बेसिडर है वो देवता अच्छा है और उसके लिए थोड़े से लोग हैं तो थोड़े से लोगों का काम जल्दी होता है। यहां बहुत भीड़ है, देवताओं की भी बड़ी भीड़ है तो यहां के देवता पूजोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहां के लिए लेनिन को पूजना और यहां क्या कहना, भगवान राम कभी पैदा ही नहीं हुए, भगवान राम की तो घटना ही काल्पनिक है। चलो लोगों ने कहा काल्पनिक नहीं है, भगवान को मानते हैं, तो साथ में उन्होंने कहा भगवान ने बाली को मार दिया। अब बाली को गलत मारने वाला कैसे भगवान हो सकता है? पीछे से मारा। और बाली जो है वो हिंदुस्तान का निवासी था, अनार्य था, और राम तो आर्य थे, इसलिए आर्य अनार का विवाद छेड़ दो। तो बाली अनार्य था और भगवान आर्य थे, आर्य ने अनार्य को मारा, अनार्य को मारने की वजह से भगवान ने पाप किया, दलितों के ऊपर अत्याचार किया। और जिन भगवान ने दलित के ऊपर अत्याचार किया हो, अनार्य के ऊपर अत्याचार किया हो, वो किसे भगवान है? इसलिए उनको लिस्ट से बाहर करो, लेनिन लेकर आओ। लेकिन आगे की स्टोरी नहीं पढ़ते। भगवान ने अगर बाली को मारा तो राज्य किसको दिया? सुग्रीव को, जो अधिकारी था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया तो वो पत्नी छुड़ाकर किसको दी? सुग्रीव को। बाली के बेटे को, अंगद को युवराज किसने बनाया, क्यों बनाया? और उन्हीं अनार्यों में से एक बड़ा अनार्य जो घर घर में पूजा जाता है, राम की पूजा पूरी नहीं हो सकती, राम का दरबार पूरा नहीं हो सकता, वो भी अनार्य ही हैं। हनुमान जी के बगैर राम का दरबार ही पूरा नहीं होता। तो हनुमान जी को भगवान बनाया, वो अनार्य अच्छे नहीं है। कौन सा अनार्य अच्छा था? बाली को मार, एक ही परिवार के बाली को मार दिया। बाली अनार्य था और भगवान ने मारा, आर्य थे, गलत कर दिया। और हनुमान जी का कुछ नहीं। और जातिवादी थे भगवान, वो ठाकुर प्रजाति से आते थे और ये छोटी प्रजाति से आते थे, इसलिए ये छोटी जातियों का के ऊपर अत्याचार किया भगवान ने, तो कैसे भगवान? लेकिन आगे का प्रकरण नहीं बताते कि महान ब्राह्मण, महाप्रकंड विद्वान रावण के पूरे परिवार का संहार कर दिया। ब्राह्मण तो पूज्य था,
ब्राह्मण तो देव था लेकिन ब्राह्मण का संहार किया वो तो उनका कर्तव्य था, लेकिन बाली को मारा ये अत्याचार था नहीं। और एक वो पता नहीं कौन सा सूर्य का एक सज्जन हमको मिले, वो कहने लगा वो फला राजा था, उसको मार दिया था रास्ते में जाते समय, वो आदिवासी था, आदिवासी को मार दिया। तो वो भूल जाते हैं केवट को परम मित्र माना, केवट की कुटिया में रहे, तो जब हमने कहा कि केवट की कुटिया में रहे तो कहने लगे केवट की कुटिया में तो मजबूरी में निकाल दिए गए जाते कहां, केवट की कुटिया में न रहते तो करते क्या, खुले आसमान में सड़ जाते रात में ठंडा जाते, इसलिए केवट की कुटिया में रहे सही रहे मतलब था, इसलिए मतलब में तो काम हो गया। फिर कहा कि भाई फला मार दिया वहां गए थे, जब हमने कहा कि उन्हीं भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए, वो तो दलित थी ना तुम्हारी नजरों में, जो तथाकथित दलित शब्द निकालने वाले वो तो दलित थी, कहने भूख लगी थी करते क्या, जिसको भूख लगी वो सब झूठा खा जाता है, कहने लगी तो उस समय भूख, इसलिए सबरी झूठा करके खिला रही तो भी खा गए सब, कह गए भगवान। फिर उन्होंने कहा भगवान कृष्ण, अरे कहने लगे सब परिवार खत्म करवा दिया, अपना ही घर मरवा दिया पूरा का पूरा, 5 लोगों से 100 लोग मरवाए कह रहे भगवान है। तो यहां तो भगवान में डिफेक्ट बहुत है नहीं, जैसे ही आप नाम ले वैसे ही डिफेक्ट की एक लंबी लिस्ट चालू हो जाती है। लेकिन लेनिन बड़ा शरीफ आदमी था, ईश्वर का दूत था, ईश्वर ने उसको लेनिन को बनाए इसलिए था कि हिंदुस्तान में ले जाकर उसकी मूर्ति लगाओ और हिंदुस्तान में वो पूजे जाएं। खाड़ी में उत्पन्न हुए किसी मैसेंजर को किसी देवता को ईश्वर ने इसलिए बनाया क्योंकि वो हिंदुस्तान में पूजे जाएं, लेकिन हिंदुस्तान में जो पैदा हुए वो कैसे हो सकते हैं, हिंदुस्तान इतनी पवित्र भूमि कहां जाए, इतने महापुरुष पैदा हो सकते हैं, सब फर्जी महापुरुष और असली वाले लाकर यहां पूजो, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का।